अग्निपथ योजना की घोषणा का नारनौल के युवाओं ने स्वागत किया है। जिले के एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से उन्हें सेना में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच है उन्हें अग्निवीर बनने का अवसर मिलेगा। 10वीं पास युवाओं की भर्ती के 4 साल बाद उन्हें 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एनसीसी कैडेट्स ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में शामिल होने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रदेश सरकार का फैसला भी प्रशंसनीय है। मेरे अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है ये अच्छा है, क्योंकि हर 4 साल बाद नए नए युवकों को रोजगार मिलेगा और हरियाणा सरकार द्वारा भी काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी 4 साल के बाद। मैं 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ 4 साल का अब टाइम पीरियड दिया है, वो बहुत अच्छा है। और इस दौरान अगर कोई स्टूडेंट 10th बेस पर अब फॉर्म अप्लाई करता है तो उसकी 12th भी उसी में हो जाएगी, सर्टिफिकेट में मिलती है। और रिटायरमेंट के बाद हरियाणा सरकार द्वारा भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, वो बहुत ही अच्छा रखा है सरकार ने। इससे क्या है, हम जो नए कैडेट्स हैं उनको भी बहुत आने वाले बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। और उसके बाद भी 4 साल के बाद युवाओं के लिए नौकरी रखी है, उनमें भी आरक्षण किए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है। युवाओं के लिए उठाया गया ये कदम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अलावा 3.5 साल तक की नौकरी की जाएगी। उसके बाद अगर यदि कोई युवा 10th बेस पे ये अप्लाई करता है तो उसकी 12th भी वहीं पे हो जाएगी और उससे उसे काफ़ी लाभ मिलेगा। आने के बाद वो हरियाणा सरकार द्वारा भी उसे सरकारी नौकरियों में काफ़ी छूट दी जाएगी।